अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5 ज्योमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 5.2, पेज नंबर 74 एंड 75। टुडेज टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट पैरेलल। Two straight lines which do not meet or intersect each other at any point are called parallel lines. ऐसी दो straight lines जो किसी भी point पर एक दूसरे से ना मिलें और ना ही intersect हों, ऐसी दो lines को हम parallel lines कहते हैं। ये parallel की symbol है। जब भी हम parallel को show करते हैं तो इसी symbol के ज़रिए show करते हैं। यहाँ हमारे पास पैरेलल लाइन की डिफरेंट टाइप्स है। देखें, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं यहाँ पर और इनके दरमियान का जो फासला है वो बराबर है। पैरेलल लाइन्स में दरमियान का फासला इक्वल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर फासला इक्वल होगा तो ये किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगे। ऐसी दो लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी क्योंकि इनके दरमियान का फासला इक्वल नहीं है। अगर इनको हम और बड़ा करें या ड्रैग करके जब आगे लेकर जाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल सकती हैं, इसलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। कोई भी ऐसी दो लाइन्स जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ, वो परपेंडिकुलर लाइन्स कहलाती है। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को कट करना, यानी एक दूसरे को क्रॉस करें लाइन, ठीक है। जैसे हमारी एडिशन की साइन होती है, हम अगर एडिशन की साइन बनाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो इंटरसेक्ट कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी दो लाइंस जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट हों, ऐसी दो लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस की सिंबल है। हम परपेंडिकुलर लाइंस को इसी सिंबल के ज़रिए शो करते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ये देखें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और राइट एंगल बना रही हैं। राइट एंगल हम 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। देखें, इस फिगर में हमारे पास चारों एंगल राइट एंगल हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल हैं। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करें और राइट एंगल भी बनाएँ, ऐसी दो लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये भी दो स्ट्रेट लाइन्स है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं, देखें, लेकिन यहाँ हमारा राइट एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसी दो लाइन्स जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, वो परपेंडिकुलर लाइन्स कहलाती हैं। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन तो है लेकिन परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल नहीं बना रही हैं। Now I will solve this question using ruler and set square. Draw the following parallel and perpendicular lines. ठीक है, अब हमें ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे हमें रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है। पॉइंट नंबर 1, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखें, एक लाइन हमें ए बी की बनानी है और दूसरी लाइन सी डी की, और पैरेलल बीच में लिखा हुआ है तो हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये हमें वर्ड्स में दिया गया है, ठीक है। पैरेलल को लाइन ड्रॉ करनी है दो हमें, सेट स्क्वायर और रूलर के ज़रिए। इसमें हमें कोई मेजर नहीं दिया गया, यानी कि जो लाइन हम बनाएंगे वो मेजर करके नहीं बनाएंगे कि कितनी बड़ी बनानी है। बस हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि दोनों के दरमियान में जो फासला है वो इक्वल रखना है हमें। पॉइंट नंबर 2, पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, इसमें भी हमें दो लाइंस दी गई हैं। पहली लाइन है हमारी पी क्यू और दूसरी लाइन है आर एस। अब ये देखें, यहाँ पर सिंबल में दिया गया है हमें, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें वर्ड्स में दिया जाए या सिंबल में तो हमें दोनों को पैरेलल में ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल सिंबल है तो यानी कि ये पैरेलल सीरीज़ बनेंगी, और अगर हमें वर्ड्स में दिया गया है तो हम तब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पहला देखें, पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरी लाइन बनाएंगे आर एस, इसको भी हम पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। हम दोनों को यानी कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, हम कैसे भी बना सकते हैं लाइंस को। यहाँ पर देखें, हमने पॉइंट नंबर 1 में वर्टिकल लाइंस बनाई हैं और पॉइंट नंबर 2 में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, ठीक है। हम दोनों टाइप्स की लाइन बना सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन वो पैरेलल हो, यानी कि दोनों के दरमियान का फासला इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 3 एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 3 है, हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। टू लाइन्स हैं हमारे पास, पहली लाइन है एक्स वाई, दूसरी है ए बी, दोनों को हमें परपेंडिकुलर में ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर में जैसे 90 डिग्री भी होना चाहिए और इंटरसेक्ट भी होनी चाहिए दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ। अब हम ड्रॉ करते हैं, पहली लाइन एक्स वाई, दूसरी लाइन ए बी। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। पॉइंट नंबर 4 एल एम परपेंडिकुलर एन ओ। ठीक है, पहली लाइन हमें एल एम ड्रॉ करनी है और दूसरी लाइन एन ओ, और इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि हम पेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब हमने ड्रॉ करेंगे पहली लाइन एल एम, दूसरी लाइन एन ओ। यहाँ देखिए हमने एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को कट किया है दोनों लाइंस में और राइट एंगल बनाया है। ठीक है, इसका आंसर यही है। इस वीडियो से रिलेटेड यह आपके असाइनमेंट है जिसे सॉल्व करके स्कूल में सबमिट कराना है, और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद ये असाइनमेंट आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।